Good morning. In this lecture, we will discuss resonance. And what is resonance? Like in certain molecules, a single Lewis structure can't explain all the properties. That can't explain everything about that molecule. तो क्या होता है कि उसकी वो मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और हर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती है उस मॉलिक्यूल की. तो वो जो स्ट्रक्चर जितनी भी बनती है उस मॉलिक्यूल की, दो तीन चार पांच जितनी भी है, दैट विल ड्रॉ शॉर्टली, उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं और इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस. अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, ओजोन. ओजोन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है. अगर आप इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसे होगी, है ना. इस पे एक लोन पे तो एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड. फॉर्मल चार्ज नहीं हम लिख रहे हैं. तो ये डबल बॉन्ड इस साइड ही क्यों, इस साइड क्यों नहीं, इस साइड भी हो सकता है. तो इससे इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के लिए बीच में हम ये एरो लगाते हैं. दिस एरो इज स्पेशल फॉर रेजोनेंस, डबल एरो. ओके, तो अब क्या होगा, जैसे इसमें मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करूंगी, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंच गए और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच गए. तो बन क्या गया आपका, इस साइड तीन पेयर थे, अब दो रह गए, बॉन्ड यहाँ पे आ गया डबल. इसको तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एक एरो इसकी तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम इट जा रहा है, तो कोई इसको कोई फर्क नहीं. यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा सिंगल, इसके ऊपर दो पेयर पहले थे, अब यहाँ पे हो जाएंगे तीन पेयर. तो ये दोनों जो है ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. अब हमें नहीं पता डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड है या राइट साइड. सो सम प्रॉपर्टी आर एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सम प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन बाय द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगी, कुछ प्रॉपर्टी ये करेगी. हाँ, इनका हम एक लिखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. एक्चुअल स्ट्रक्चर ना तो एक्चुअल ये है ना एक्चुअल ये, एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज समवेयर इन बिटवीन दीज, है ना. तो उसको हम बोलते हैं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये इसका बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड मिक्सचर. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस. अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी, अब ये रेजोनेंस हमें कैसे पता चला कि ये रेजोनेंस जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ऐसा होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द बॉन्ड लेंथ ये भी 128 पिकोमीटर है और ये भी आपकी 128 पिकोमीटर है, सेम बॉन्ड लेंथ है. नहीं तो क्या होना चाहिए, यहां देखो, यहां सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ये डबल है इसकी कम होनी चाहिए. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ओजोन जो है वो इन एग्जिस्ट करती है इन दो रेजोनेटिंग फॉर्म में. नहीं तो एक बॉन्ड बड़ा होता है, एक बॉन्ड छोटा होता है. आप नजर आएगा हमें कि एक बॉन्ड तो यहाँ पे सिंगल है, एक बॉन्ड डबल है. डबल बॉन्ड है तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी. लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली क्या है कि दोनों की बॉन्ड लेंथ जो है वो 128 पिकोमीटर है. ये शो करती है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस में एग्जिस्ट करता है. अगर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आप कोई भी दो ऑक्सीजन को मार्क कर लो. जैसे मैंने इसको मार्क कर लिया वन, इसको मार्क कर लिया टू, इसमें भी वही वन टू, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो दोनों में कितने हैं. इन दोनों में है दो बॉन्ड, इन दोनों में एक बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड्स हो गए हमारे तीन, डिवाइड बाय जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, दो बन रही हैं तो डिवाइड बाय टू, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.5. ये इस केस में ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये मेथड है. दूसरी एग्जांपल मैं ले रहा हूं कार्बोनेट आयन की, ठीक है. तो
तो अब डेफिनेशन तो समझ में आ गई बात कि ऐसे मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। चलो मैं सेकंड एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूं। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो हम कर चुके हैं, है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहां पे तीन पेयर थे और यहां पे दो पेयर। ओके, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, ये थी कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर। अब डबल बॉन्ड ऊपर वाली साइड है, वो राइट साइड भी तो आ सकता है, इधर भी तो आ सकता है, तो इसका मतलब यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा आप देखना ध्यान से, कि ये एक पेयर यहां चला गया और यहां पे डबल बॉन्ड का जो एक पेयर है, ये जो ब्लैक में नजर आ रहा है, ये यहां चला गया। तो इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे देखना। सेंटर में सी, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहां पे बॉन्ड डबल हो जाएगा और पेयर एक कम हो गया, नेगेटिव चार्ज फिनिश, क्योंकि वो तो उसने डिलीट कर दिया। अब यहां पे एक ऊपर गया तो उसके पास हो जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। देखो ना, डबल बॉन्ड इधर था, अब इधर आ गया, अब ये इधर आने वाला है ना। इधर कैसे आएगा, यहां से एक पेयर यहां पे शिफ्ट हो गया, उसने यहां पे आके डबल बॉन्ड बना लिया। डबल बॉन्ड बनाते ही कार्बन के बॉन्ड हो गए पांच, कार्बन की वैलेंसी होती है चार, तो वैलेंसी से बढ़ गया, तो क्या होगा, इसका ये बॉन्ड जो है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और तीसरी जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे। सी ऊपर वाले को हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, नेगेटिव, यहां पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, पेयर दो बचे, यहां पे बॉन्ड आ गया आपका सिंगल, यहां पे पेयर तीन हो गए नेगेटिव। तो दीज आर दी थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। अब डीलोकलाइजेशन, एक वर्ड होता है डीलोकलाइजेशन, एक वर्ड होता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मीन्स पर्टिकुलर लोकेशन, डीलोकलाइजेशन मीन्स विच डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर लोकेशन। आप देखिए नेगेटिव चार्ज सभी तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब ये डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं है। तो इनकी इसकी अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए उसके लिए हम ऐसे इक्विवेलेंट ग्रुप, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट ग्रुप, तो उसमें क्या बनाएंगे, सी ओ ओ ओ और डॉट्स, ये इसकी आ गई हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर बात, ये तीन इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं इनको और इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आ रही है, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़े तो मैंने फिर जैसे पहले बताया था, कोई दो बॉन्ड आप ले लो, ये वन ले लो, ये टू ले लो, ये वन ये टू, ये वन ये टू, तीनों स्ट्रक्चरों में जितने भी बॉन्ड है वन और टू के बीच में उनको काउंट कर लो, दो यहां एक यहां एक यहां, तो टोटल बॉन्ड है हमारे पास चार। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितनी है, वो है तीन, तो तीन से इसको डिवाइड कर दो तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.33 आ जाएगा। सो ऐसी स्ट्रक्चर्स, इस कंसेप्ट को रेजोनेंस बोलते हैं। आप देखिए डेफिनेशन इसमें, इन सर्टन मॉलिक्यूल सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग और ऑल द प्रॉपर्टी, लाइक ये स्ट्रक्चर जो है ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Then the molecule supposed to have many structures like this, carbonate ion has a three structures, each explaining some property, and these structures are called resonating structures, canonical structures, and this phenomena is called resonance. Resonance जो है उसकी वजह से stability होती है, it causes stability. अब देखो एक और example, बहुत ही easy, benzene. Benzene आपने पढ़ा होगा 10th में, C6H6। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है ऐसी स्ट्रक्चर है बेंजीन की, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसमें तीन है। इसकी रेजोनेंस
दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अब देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, इनको ही शिफ्ट करना है। इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया और इसको यहां शिफ्ट कर दिया, नए पाई बॉन्ड बन गए। दूसरी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी? अब देखो जहां पे डबल बॉन्ड नहीं थे अब वहां पे डबल बॉन्ड आ गए, ऑल्टरनेट पोजिशन। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड। अब यही वापस ये कैसे बनेगा? ये फ्लो कर दो इलेक्ट्रॉन का उल्टे डायरेक्शन में तो वापस वो बन गया। तो दीज आर दी टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ककयूल स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, KEKULE। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कहां है? दैट इज इक्वलेंट टू, तो क्या करते हैं हम ऐसे बना के उसके अंदर ऐसे लगा देते हैं। इस लगाने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकते हैं, क्लियर। तो दीज टू आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई? देखा बॉन्ड ऑर्डर, तो मैंने कहा था कोई भी दो एटम ले लो, वन टू वन टू, वन और टू के बीच में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? तीन। टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी है? दो। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, क्लियर बात है? ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ द कंडीशंस। जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं क्या क्या ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक में आपको बहुत काम आने वाला है ये कंसेप्ट, वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखनी पड़ती हैं। कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके, देन कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज दी सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। अब एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, एटम वही रहेगा। अगर कार्बन कार्बोनेट आयन में सी के साथ तीन ओ अटैच है तो वो सी के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, उसकी पोजीशन को हमें शिफ्ट नहीं करना। सेकंड जो है वो किस चीज का ध्यान रखना है? सेम नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर मींस बॉन्ड पेयर एंड अनशेयर मींस लोन पेयर, वो भी सेम होने चाहिए। आप देख लेना कार्बोनेट आयन में उतने ही थे सभी में, बना के देखना स्ट्रक्चर में से। और ये तीसरा पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कई स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती हैं जिनकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसमें ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहती है। जैसे हम अब ड्रॉ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी, ओके। अब देखिए इसमें लोन पेयर है चार है, तो अब जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखना इसमें से क्या करेंगे हम, एक को हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड ये यहां शिफ्ट हो जाता है, ओके। और एक पेयर यहां से वो यहां शिफ्ट हो जाता है, तो बॉन्ड वहां पे यहां पे एक बनेगा ना बॉन्ड, तो क्या करेंगे इसको ओ सी ओ, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, या हम ऐसे कर सकते हैं, ये एरो ऐसे मत लगाओ, तो इसके लिए मैंने ऐसे कर सकते हैं इसको, कि ये बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो हमें एक बॉन्ड ये यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे तो नेगेटिव चार्ज बन गया, और इसका जो ये लोन दिया था वो इधर शिफ्ट हो गया। ऐसे इन दिस डायरेक्शन फ्लो कर लो, ऐसे ही उस साइड में डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब हम देखें इसमें, पहली बात तो कनेक्टिविटी, सेम पोजीशन ऑफ एटम, कार्बन के दोनों और ऑक्सीजन लगे हुए हैं, हमने एटम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया। सेम नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड, देखिए अब यहाँ पे अनशेयर्ड चार हैं, शेयर्ड भी चार ही हैं। शेयर्ड कौन से हैं? ये जो अंदर बॉन्ड बना के बैठे हैं, एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक पाई, इसमें देखिए अनशेयर्ड है दो चार छह और दो आठ, आठ यहाँ पे भी आठ है, यहाँ पे भी आठ है, उसमें देखिए उसमें भी आठ है। शेयर्ड पेयर भी इसमें देखिए दो और छह, आठ हो गए, आठ ही इसमें, तो ऐसे शेयर्ड पेयर और अनशेयर्ड पेयर दोनों जो है वो सेम रहेंगे। अब अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी है सपोज SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड O, 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 क्लियर। तो इसमें ऑक्सीजन को इसने इलेक्ट्रॉन डिलीट किया है, एक ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं जो बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। देखिए इसमें हमने सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, अच्छे से बनाएगा। उसका रीजन ये है कि सल्फर जो है, सल्फर के पास आउटर शेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के पास आउटर शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, और उसकी वैलेंसी होती है टू, है ना। तो एक पेयर इसके साथ उसने दो बॉन्ड अपने बना लिए, अब इसके पास एक और पेयर, एक और पेयर ऐसे थे, तो ये वाला पेयर इसने डिलीट कर दिया, किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? सिक्स, ये बॉन्ड बन गया। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी पहले कितने थे? सिक्स, तो ये पेयर इसने इसको डिलीट, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर हमारी जो SO3 की बन गई। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी बिकॉज एस की जो हाइब्रिडाइजेशन है एस की टू बनेगी, ठीक है। तो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम? सिर्फ स्वैपिंग करनी है हमें, कि एक बार इधर लिख दो और डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, तीसरी बार डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ, तो ये तीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ओके, अब सभी में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब सेम है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर, ये आपकी एनसीईआरटी में सी है, सभी मैं करवा रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चंस में भी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी। तो नाइट्रेट आयन की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो नाइट्रेट आयन में एक एन है, पहले जो इस स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं ना कैसे कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हमारा नाइट्रेट आयन, ऊपर वाला ऑक्सीजन है जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, NO3 नेगेटिव वाला। अब इसको क्या करेंगे, बस आपको स्वैप करना है, इसको एक को ले लो, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरफ है, एक बार इस तरफ बनाओ, एक बार इस तरफ बना दो, है ना। तो बस सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड को ऊपर ले, इस इन दोनों ने स्वैप होना है आपस में। अगर आप डबल बॉन्ड को ऊपर ले जाते हो, यहां पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले आओ और यहां पे ये नेगेटिव वाला, तीसरी स्ट्रक्चर में आप डबल बॉन्ड को राइट साइड पे ले जाओ,
और आप ऊपर ले जाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और यहां पे आ जाएगा आपका वापस नेगेटिव। तो ये तीन स्ट्रक्चर इसकी भी बन गई। बॉन्ड ऑर्डर हमें वैसे ही निकालना जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट, वो है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। अब क्या है कि जितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो सारी इक्वली स्टेबल नहीं होती, तो जो रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट है वो आपको ऑर्गेनिक में जब पढ़ेंगे तब भी समझना पड़ेगा अच्छे से एक बार फिर। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके, एंड द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल मतलब हैविंग लीस्ट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे मान लो इस साइड पे एनर्जी जा रही है, आपके रेजोनेंस जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी यहां पे है, रेजोनेंस हाइब्रिड। सपोज करो इसकी तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वन टू थ्री, मतलब दीज आर दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। वन की एनर्जी कम है, टू की एनर्जी ज्यादा है, थ्री की एनर्जी उससे भी ज्यादा है। तो व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू। सो दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी है और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको ही बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं भी कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगी, कौन सी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी। वो हम जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो वहां पे उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। जैसे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मान लो कि किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है अभी हमने पढ़ा, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर वन। दूसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई थी ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरी स्ट्रक्चर हमने बनाई थी पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, ये टू और ये थ्री। अब यहां पे टू और थ्री की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है वन, बिकॉज उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कौन कर रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा दैट स्ट्रक्चर इज, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ये तीन नजर आ रही, यहां पे तो तीनों की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन इस केस में वन की एनर्जी सबसे कम होगी, तो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इसकी एनर्जी कितनी है और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कितनी है, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिक पार्ट है बेसिकली। तो अब हम करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस नंबर वन ये कह रहा है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। जितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं दे डू नॉट हैव
रियल एग्जिस्टेंस, ये इमेजिनरी है, इनकी कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. ओनली द रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअली एग्जिस्ट. सिर्फ जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है वही एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल बिकम इक्वल, है ना. तो रेजोनेंस की वजह से ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल. जैसे अभी ओजोन में किया था, ड्यू टू रेजोनेंस दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर हो गई. कार्बोनेट आयन है, जैसे इसमें अभी ड्रॉ की थी इसकी, तो इसमें भी जो CO बॉन्ड है सभी CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. थर्ड पॉइंट जो है वो कह रहा है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है हैज लीस्ट एनर्जी. सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब वो उतना ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी. किसी की स्ट्रक्चर 3 बन रही है, किसी की 4, किसी की 5, तो 5 वाला सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा. ओके, तो दिस इज बेसिक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस. सो दिस इज द रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको हम ऑर्गेनिक में भी और ज्यादा डिटेल में करेंगे, वहां पे सीखेंगे कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, कौन सी स्टेबल है कौन सी कम स्टेबल है, वो वहां ऑर्गेनिक में उसका काम है ज्यादा, यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ेगी. तो ये रेजोनेंस हो गया.